नमस्ते नमस्कार जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल BS रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज़ में। तो दोस्तों, हम आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार के बारे में जो कि उस कलाकार को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, बने रहिए, देखिए वीडियो को लास्ट तक। तो आपसे हम बता देना चाहते हैं कि भोजपुरी के एक बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छे नाम कमाने वाले सिंगर यानी धनंजय धड़कन। तो आप लोगों से हम बता देना चाहते हैं कि धनंजय धड़कन का एग्रीमेंट जो कि 2 जून को RCM म्यूजिक के माध्यम से जो कि टूट चुका है। तो हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि RCM म्यूजिक के मालिक राकेश कुमार ने जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कलाकार को धनंजय धड़कन को NOC दे दिया, यानी किसी भी कंपनी के माध्यम से गाना रिलीज कराने का जो कि NOC जो कि छूट दे दिया कि अब धनंजय धड़कन मेरे कंपनी के एग्रीमेंट से खत्म हो चुका है, एग्रीमेंट टूट गया है। अब धनंजय धड़कन अब किसी भी कंपनी के माध्यम से तुम अपने गाने को छोड़ सकते हो, रिलीज करा सकते हो। तो बता देना चाहते हैं कि धनंजय धड़कन RCM म्यूजिक के माध्यम से पहले इनका गाना आता था, तो वो आज SRK म्यूजिक के माध्यम से एक गाने का पोस्टर छोड़े हैं और लिखे हैं कि मुझे RCM म्यूजिक के मालिक राकेश कुमार ने बोल रहा है कि अगर तुम किसी भी कंपनी से गाना को अगर छोड़ते हो तो तुम्हारे गाने पे स्ट्राइक दे दूंगा। यानी धनंजय धड़कन के गाने पे स्ट्राइक देने की बात कर रहे हैं RCM म्यूजिक के मालिक राकेश कुमार। तो आप लोगों से बता रहे हैं कि धनंजय धड़कन के जो NOC मिला है, उस NOC के RCM म्यूजिक के मालिक राकेश कुमार ने बता रहा है कि NOC यानी फेक NOC है, जो कि हमने NOC नहीं दिया है। अभी धनंजय धड़कन RCM म्यूजिक के एग्रीमेंट में है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि धनंजय धड़कन साथ गलत कर। भोजपुरी की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए BS रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज को।